युवती और उसके तीन पिता, क्या आपने कभी ऐसा सुना है? जी हाँ, ऐसी कहानी केवल फिल्मों में देखने के लिए मिलती है, लेकिन ऐसा पहली बार आगरा की एदमापुर तहसील में देखने को मिला है, जहाँ एक युवती ने अलग अलग नाम से जाति प्रमाण पत्र और मूल्यवास प्रमाण पत्र बनवा लिए, जिसके बाद उसने लाखों की ठगी कर डाली। इस लाखों की ठगी में लेखपाल और बैंक मैनेजर भी शामिल है। अब मैं आपको बता दूं, आगरा की एदमापुर तहसील में सुनीता उर्फ पूजा नाम की युवती ने लेखपाल की सहायता से जाति प्रमाण पत्र और मूल्यवास प्रमाण पत्र अलग अलग नाम से बना लिए, जिसके बाद उसने पंजाब नेशनल बैंक में पहुंचकर बीमा और लोन के आधार पर लाखों का फ्रॉड कर डाला, जिसमें लेखपाल और बैंक मैनेजर भी शामिल हो गए। जब इसका खुलासा हुआ तो कोर्ट ने के आदेश के बाद इन सभी पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। यह मुकदमा किन लोगों पर दर्ज किया है मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले सुनीता और पूजा, उसके बाद सुरेश चंद्र, फूलपति, रमा शंकर, उषा देवी, अयोध्या प्रसाद तत्कालीन लेखपाल, दूसरा लेखपाल राजकुमार, तत्कालीन बैंक मैनेजर, तत्कालीन बैंक मैनेजर और एक अज्ञात व्यक्ति पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा किन धाराओं में दर्ज किया गया है वो भी मैं अब आपको बताऊंगा। थाना एदमापुर पर अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। ये धाराएं हैं 420, 211, 166, 467, 468, 471, 406, 504, 506। इन धाराओं में इन सभी लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। ये कितना बड़ा फ्रॉड हुआ है ये देखने वाली बात है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि ये फ्रॉड कैसे हो गया? प्रशासन ने इन पर कोई भी कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की? कोर्ट के आदेश के बाद ही इन पर ये कार्रवाई की गई है। जिससे फ्रॉड किया है चंदवीर खुद, उन्होंने आपबीती अपनी बताई है। उन्होंने बताया किस तरीके से इस महिला, इस युवती ने उनके साथ फ्रॉड किया है। अब इन सभी पर थाना एदमापुर में मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है। ऐसा मामला विभिन्न न्यूज़ के माध्यम से मेरे पास भी आया है। अभी इसकी पड़ताल की जा रही है और पूरी तरह से ऐसा सुनने में आया है कि कुछ FIR हुई है, लेकिन इसकी पूरी तरह से जानकारी अभी लिखित रूप से कहीं से प्राप्त नहीं हुई है। उसके प्राप्त हो जाने के बाद ही कुछ कहना उचित होगा। अगर ऐसे इन लेखपालों के खिलाफ अगर FIR दर्ज की गई तो क्या उनको कुछ कार्रवाई की जाएगी? जो भी माननीय न्यायालय के आदेश होंगे उसके अनुरूप जो भी कार्रवाई उचित होगी वो उनके खिलाफ की जाएगी, अगर ऐसा मामला संज्ञान में आता है तो। इंद्रवीर सिंह, मैं कस्बा एदमापुर का रहने वाला हूँ। प्रकरण यह है कि एक लड़की सुनीता, पिता का नाम सुरेश चंद, इसने एक फर्जी कंपनी खोली थी पूजा इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से। उस कंपनी में इसने 10,000 रुपये माह के हिसाब से हमसे किस्त डलवाई। मेरी पत्नी से 50,000 जमा कराए थे, 1,35,000 रुपये हमसे जमा कराए थे। उसके बाद में जब पैसा वापस हुआ था तो इसने दूसरे बैंक के अपना चेक दिया था जो बाउंस हो गया था। उसके बाद में हमें मालूम पड़ा कि इस लड़की ने फर्जी अकाउंट खुलवा करके हमसे पैसे डलवाए हैं। दूसरा अकाउंट तो इसने सुनीता पिता का नाम गोपाल कृष्ण नाम से खोला था, उसके हमें इसने चेक दिए थे जो फर्जी हस्ताक्षर करके जो हमें दिए थे वो बाउंस हो गए थे। और जो पहले उसने पैसा डलवाए थे वो पूजा नामक खाते में, पूजा पिता का नाम हरी सिंह नाम से इसका जो खाता था उसमें डलवाए थे, लेकिन हमें बाद में मालूम पड़ा था कि पूजा का खाता जो इसी लड़की का खाता है जो सुनीता पिता का नाम सुरेश चंद है, इसी ने अपने अलग अलग नामों बलदियत से फर्जी खाते खोले गए हैं। फिर हमें बाद में मालूम पड़ा कि इसने निवास और जाति प्रमाण पत्र तहसील एदमापुर के लेखपाल अयोध्या प्रसाद द्वारा फर्जी साक्ष्य के आधार पर इसने जारी कराए हैं। दोनों की मिली भगत से ये निवास और जाति प्रमाण पत्र जारी हुए हैं। यहाँ सुनीता पिता का नाम गोपाल कृष्ण नाम से जारी कराए हैं, जबकि मूल नाम इसका सुनीता पिता का नाम सुरेश चंद है। पूजा पिता का नाम हरी सिंह नाम से इसने शिकवा से जारी कराए हैं। जब मैंने इसकी शिकायत की तो लेखपाल राजकुमार के द्वारा इससे मिलकर के षड्यंत्र के तहत झूठ व्याख्याएं पेश करते रहे। उसके बाद में फिर मैंने जिलाधिकारी महोदय आगरा से शिकायत की, उन्होंने जांच कराई थी। जांच से स्पष्ट हुआ था कि इन्होंने फर्जी साक्ष्य के आधार पर उस लड़की से मिलकर के निवास और जाति प्रमाण पत्र जारी कराए हैं।
इसमें दो लोग और शामिल हैं जो कि इसके फर्जी आधार कार्ड अलग अलग नाम और बल्दिया से जो जारी कराए हैं, उमाशंकर रमाशंकर और उसकी पत्नी उषा देवी निवासी मलिपुरा खंदौली के रहने वाले हैं। उसके बाद में फिर मुझे मालूम पड़ा कि इसने जो फर्जी साक्ष्य के आधार पर खाते खोले गए, मैंने इसकी पुनः शिकायत करी तो इसने एक मुकदमा मेरे खिलाफ़ लिखवा दिया, मेरे और मेरी पत्नी के खिलाफ, जो कि माननीय न्यायालय द्वारा झूठा पाते हुए निरस्त कर दिया गया है। जब मैंने इस पूरे प्रकरण की शिकायत की लेकिन कोई कार्रवाई न होने पर मैंने माननीय न्यायालय में साक्ष्य के साथ एक एप्लीकेशन दी थी। साक्ष्य को देखते हुए, मामला गंभीरता को देखते हुए माननीय न्यायालय ने थाना इदमापुर को मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए हैं, जो सभी लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इसमें पार्टी बनाया है लेखपाल अयोध्या प्रसाद, लेखपाल राजकुमार, क्षेत्रीय लेखपाल नंगला किला शुकवाबाद,